तो जो लोग ये दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो किसानों की डबल मदद करें, अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है तो डबल मदद करें, दोनों मिलकर के मदद करें। ए तुम काहे सीबीआई के चक्कर में पड़े हो हैं? ले हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम बहुत दिनों से हैं, और भगवान ऐसी कृपा करे इनके मालिक की भी सीबीआई जांच हो। अखबार है अमर उजाला, उनका फार्म हाउस है बरेली में, और कारोबार है कहीं और भी। ये सवाल का जवाब ही है, जब बात किसान की चल रही तो सीबीआई क्यों ले आए आप? ए भगवान इनकी जरूर जांच हो। नहीं देखिए ऐसा है, ये सीरियस मत लो, आप सीरियस मत लो, बहुत दिल पे ले ली इन्होंने बात। अरे दिल पे ले ली इन्होंने, हमारे जाला के पत्रकार हैं, दिल पे ले ली इन्होंने, ले ली दिल पे ले ली। अच्छा मैं बात कर दूं ना? अरे शांति हो जाए थोड़ी देर। देखिए हमारे पत्रकार साथी वैसे सीरियस हो गए, सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है। अच्छा कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर एक, यहां जितने लोग बैठे हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे, आपके यहां थाने में किसकी चल रही है, बीजेपी के विधायक की चल रही है कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। और महीने का कितना एड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार है। अच्छा आप अपना बताओ, महीने का एड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं नहीं एड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख? तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं यहां भी है, वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। ये हमारे वाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं आप। लेकिन खबर मत काटना हमारी, चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे तो यूपी में ये इंडिया गठबंधन की रैली अधिसूचना जारी होने से पहले क्या होने जा रही है या उसके बाद? चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों, और 80-40 ही भविष्य तय करेगा, 40 बिहार 80 यूपी। इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। कल की रैली पे पीएम मोदी ने कटाक्ष किया, उनका कहना है कि विपक्ष कह रहा है मेरा परिवार नहीं लेकिन देश एक ही नारा लगा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। क्या चीज? ये बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। इसमें सवाल किसी दल का नहीं है, उन बच्चों का है जो कई दिनों से कई साल से वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम उन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं जब कभी भी समाजवादियों को जनता ताकत देगी उनको न्याय देंगे, और जो हक और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी।
नहीं नहीं वो आपको स्टेट ऑफिसर क्या पता करना चाहिए गाड़ियां कितनी तैयार हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा मंत्री कितने बनने जा रहे हैं। सर राजनाथ जी ने बोला है कि जो लड़के धरना दे रहे हैं दलित तो पिछड़े वो लाख खाने लायक है। क्या राजनाथ जी ने बोला है कि दलित तो पिछड़े लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो लाख खाने लायक है। वो खुद जाके वहाँ क्या खा रहे हैं? ये ठीक है आप, वो क्या खा रहे हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।